नागरिकता संशोधन कानून पर दिल्ली से यूपी समेत पूरे पूर्वोत्तर भारत में हिंसक प्रदर्शन लगातार जारी। तो दिल्ली के जामिया से लेकर अलीगढ़ यूनिवर्सिटी तक विरोध प्रदर्शन हो रहा है। कल देर शाम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बाहर नागरिकता कानून के खिलाफ छात्रों ने प्रदर्शन किया। विरोध के दौरान छात्रों ने पुलिस पर पत्थरबाजी की, तो वहीं पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले भी छोड़े। तो विरोध प्रदर्शन को देखते हुए एएमयू प्रशासन ने 5 जनवरी तक यूनिवर्सिटी को बंद करने का ऐलान किया है। तो वहीं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के सभी हॉस्टल को खोल दिया गया है। तो वहीं आपको बता दें कि उन हॉस्टल्स को खाली कराया गया है। सुरक्षा के लिहाज से ये कदम उठाया गया, तो पुलिस ने सुरक्षा के मद्देनजर अलीगढ़, मेरठ, सहारनपुर में इंटरनेट सेवा पर भी रोक लगा दी है। तो लगातार नागरिकता संशोधन बिल को लेकर अब आप देख सकते हैं पूरे पूर्वोत्तर राज्यों में हिंसक प्रदर्शन जो है वो और भी हिंसक हो चला है। तो एएमयू में 5 जनवरी तक छुट्टी घोषित कर दी गई है। इसके चलते तो एएमयू के सभी हॉस्टल को भी खाली कराया गया है। तो वहीं कई यूनिवर्सिटी में अलीगढ़, मेरठ, सहारनपुर में इंटरनेट सेवा पर भी रोक लगा दी गई है।